नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष केलकर है और मैं आपका आपके पसंदीदा YouTube चैनल किरण जादव पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जिस तरह का रिस्पॉन्स हमें पिछले हफ्ते के वीडियो के लिए मिला था उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पिछले हफ्ते में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हमने हमारा जो 10,000 रुपये का डिस्काउंट है, 25,000 वाला वर्कशॉप, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मनी बैक गारंटी देख के ऑप्ट आउट कर लिया है, रजिस्ट्रेशन किया है। उसके लिए भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जिस तरह का नॉलेज ट्रांसफर इस वर्कशॉप में होता है वो बहुत ही बेहतरीन है। अभी भी इंक्वायरीज चल रही है, जिन लोगों ने अभी तक वो जो हमारा वर्कशॉप है उसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की मैं सब लोगों को आह्वान करता हूँ कि वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें। अभी पिछले हफ्ते में क्या हुआ था ये हम देखेंगे, इस हफ्ते में क्या, आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ पे पॉइज्ड हुए है और कहाँ जाने की संभावना है, उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके साथ साथ सेक्टर्स कौन से अच्छे लग रहे हैं, ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स में डाउ जोन्स में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है, कमोडिटी में क्या हो रहा है, ये तो हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ रुपी डॉलर क्या है और पीसीआर के साथ क्या करना है, पीसीआर अभी कहाँ पे आ चुका है और उसके आधार पर हमें निफ्टी में या बैंक निफ्टी में किस तरह से पोजीशंस लेने की सलाह होगी, ये भी इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं। हम पिछले हफ्ते में क्या हुआ था, अगर आप लोगों को याद है कि पिछले हफ्ते में मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया था, उसमें पिछले के पिछले हफ्ते में किरण सर ने क्या बोला था, उस हफ्ते में क्या हुआ था और जो गया हफ्ता है उसमें क्या होने की संभावना थी, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। दोस्तों अगर याद है आपको तो मैं आपको लेके जाता हूं और वो रिमाइंड करवाता हूं कि पिछले हफ्ते में हमने आपके साथ निफ्टी के चार्ट के ऊपर क्या शेयर किया था। दोस्तों पिछले हफ्ते निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरह से पॉइज था। ये था लास्ट फ्राइडे का कैंडल। हमने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो, और हमारी जो पोजीशंस है उसमें से हल्का होने की सलाह दी थी, लेकिन एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है ऐसा हमने कहा था। और अगर बाउंस बैक आता है तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ था उसी लेवल को टेस्ट करते हुए हम देख सकते हैं। और इस हफ्ते में देखो क्या हुआ, जैसे जैसे एक एक दिन बीतता गया हमने पिछले हफ्ते में इसी लेवल को टेस्ट किया है। दोस्तों ये बात सीखने जैसी है कि जब कभी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन मिलता है तो वो जो लेवल है वहां पे हो सकता है टेस्टिंग हो, एक बाउंस बैक या फिर एक पुल बैक आप इसे कह सकते हो, ये देखने को मिलता है। नॉट 100% टाइम्स बट जनरली ये जो टेस्टिंग है ये देखने को मिलता है और वही पिछले हफ्ते में होते हुए हमने देखा। तो इसका मतलब ये बात तो तय हो गई थी कि पिछले हफ्ते में हमने, अगर आपको याद है तो, टेक्निकल चार्ट्स और ओआई कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं, ओपन इंटरेस्ट का जो हमने टेबल डिस्कस किया था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था 15,700, और इस हफ्ते का क्लोज है 15,700। सो जिस तरह का डेटा रीडिंग हमने आपके साथ शेयर किया था वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया। उसी तरह से अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो बैंक निफ्टी में भी हमने इसी तरह से रुझान दिया था कि ऊपर की तरफ जो लेवल है वो 33,800 के लेवल के आसपास के लेवल मैंने आपको दिए थे, और अगर मैं इस कैंडल का हाई के करीब देखता हूं तो 33,750 के आसपास पिछले हफ्ते में बैंक निफ्टी आते हुए हमने देखा है। तो जो टेक्निकल लेवल्स और ओपन इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन करके हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो तो हासिल हो गए, लेकिन अभी इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में क्या होने की संभावना है। दोस्तों अगर हम कल मतलब सैटरडे को जब वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ हमने देखा तो जिस तरह की उठापटक हमने पिछले एक हफ्ते में वर्ल्ड मार्केट्स में और इंडियन मार्केट्स में देखी, आप अगर कैंडल्स देखते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी के, देखो कितने बड़े बड़े मूव्स हमने देखे हैं। यानी ये जब बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी आती है तो हमें एक बात समझना जरूरी है कि यहाँ पे अभी भी कोई डायरेक्शन तय नहीं हुआ है, यानी यहां पे बुल्स एंड बेयर्स के बीच में एक टग ऑफ वॉर होते हुए दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन के लिए हमें और भी थोड़ा वेट करना होगा। अभी हम अगले हफ्ते में निफ्टी में क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगेन अगले हफ्ते में टेक्निकली स्पीकिंग चार्ट के हिसाब से अगर हम देखने गए तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको अभी चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, और जहां पे मेरा कर्सर है जो कि 15,800 के ऊपर,
15,800 के आसपास है। अगले हफ्ते में अगर हम 15,800 के ऊपर निकलते हैं, वहां पे टिकते हैं, तो ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है ये और एक्सटेंड हो सकता है। अगर ये और एक्सटेंड होता है तो ऊपर का लेवल जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 15,900 और ऊपर सीधा 16,200। सो 15,900 एंड 16,200 टेक्निकली चार्ट के ऊपर मुझे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 15,900 क्यों? क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गैप था वो गैप डाउन से खुला था करीब करीब 15,900 के आसपास, और उसके ऊपर अगर मैं देखने गया तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, एक बहुत बड़ा गैप है, और ये गैप की शुरुआत हुई थी करीब करीब 16,200 के आसपास से। यानी चार्ट के ऊपर मुझे ये दो लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों ना हम अभी इसको ओआई के टेबल पे जाके थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करें, और क्या ऐसे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं जहां पे हम एक डिसाइसिव लेवल पे आ सकते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी मैंने ये जो चार टेबल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का टेबल है। निफ्टी 15,700 के आसपास क्लोज हुआ है। अभी हम पहले कॉल साइड देखेंगे। अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो हाईएस्ट अगर मैं यहां पे देखता हूं तो 94,000 का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 15,900। इसके पहले इतना बड़ा हुआ है कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद दिखाई दे रहा है 16,000 के यहां पे 1,46,000, और उसके बाद ऊपर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है टेक्निकली अगर सॉरी 1,30,000 जो 16,500 का है। यानी हमारी एक लेवल तो मैच हो रही है 15,900, 15,900 टेक्निकली भी दिखाई दे रहा है और ओआई डेटा के हिसाब से भी मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ओआई डेटा के हिसाब से 1,46,000, 16,000, 16,000 ये साइकोलॉजिकल भी लेवल है, तो मतलब 15,900, 16,000 ये अहम लेवल है। उसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो मेरे लिए टेक्निकली, मैं थोड़ा प्रेफरेंस टेक्निकल्स को ज्यादा दूंगा इस केस में, 16,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। जिस तरह के अभी वर्ल्ड मार्केट पॉइज्ड है उसके हिसाब से 16,900 ये लेवल निकलना उतना मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर हम कंक्लूजन पे पहुंचना चाहेंगे तो हमारे लिए ऊपर की तरफ 16,000 एंड 16,200 ये दो लेवल्स ऊपर की तरफ एज अ स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। यानी अगले हफ्ते में हमें यहाँ पे इन दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना है। जैसा मैंने कहा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को टेस्ट पिछले हफ्ते में कर चुके हैं। प्रीसाइज 15,700 के लेवल पे हम आके रुके हैं। यहाँ पे टग ऑफ वॉर हो रहा है। पहले 2 दिन, अगले हफ्ते के पहले 2 दिन में हो सकता है ये जो बाउंस बैक है वो हमें एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है, जो कि ये बाउंस बैक 16,000 से लेके 16,200 तक मार्केट को लेके जा सकता है। अभी हम नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पे पहुंचता है, पहले टेक्निकल चार्ट देखेंगे। सपोर्ट अगर मैं देखता हूं यहाँ पे तो पिछले हफ्ते का फ्राइडे का जो दिन था उस दिन 15,600 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, जो कि हमने अपने मार्केट आउटलुक डेली में भी उसका जिक्र किया था। और अगर मैं और थोड़ा नीचे की तरफ देखता हूँ, लेकिन 15,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं ना दोस्तों, तो मैं मानता हूँ कि वापस एक बार साउथ को जाने की प्रोसेस चालू हो सकती है। तो हम ओआई डेटा अगर हम देखते हैं, ओआई डेटा में पुट साइड अगर हम देखते हैं, तो पुट साइड में 15,700 के हम आसपास है, 15,600 पे 62,000 है, 15,500। तो ओआई के हिसाब से 15,500 ये इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि 64,000 का ओआई है 15,600 के करीब, 600 पे, और 15,500 पे उसके दुगने से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज्यादा वेटेज मैं ओपन इंटरेस्ट को देना चाहूंगा, और मेरे लिए अगले हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है वो है 15,500, क्योंकि उसके नीचे भी अगर देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा ओआई मुझे सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लग रहा है जो ऑप्शन राइटर्स है, 15,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो ओवरऑल निफ्टी का अगर हम डिस्कशन करते हैं तो टेक्निकली एंड ओआई डेटा के हिसाब से ऊपर की तरफ 16,000, 16,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं, और नीचे की तरफ अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए थोड़ा वेटेज ओआई डेटा को जाएगा,
और 15,500 के लेवल की तरफ हमें ध्यान देना है, जिसके नीचे बेरिशनेस बढ़ सकता है। अभी मैंने यह कहा कि 16,000 16,200 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो क्या ट्रेंड चेंज हो गया? दोस्तों नहीं, अभी भी चार्ट के ऊपर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने बहुत स्पेसिफिक शब्दों में आपसे आपको बताने की कोशिश की है कि ये जो बाउंस बैक है वो एक्सटेंड होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो माइंड में हमें ये नहीं रखना है कि चलो नए स्टॉक आए तो तुरंत खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, अभी भी खरीदारी करने के मौके नहीं ढूंढने हैं। जब खरीदारी करने के मौके मिलेंगे, जो मौका आएगा, चार्ट के ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू करना है, रेस्ट एश्योर्ड हम हमारे सारे मेंबर्स को एक ऐसे स्टॉक की लिस्ट देने वाले हैं जो आपको खरीद के रखना है और अगले आने वाले कुछ समय में बहुत बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। सो अभी के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये हो गया निफ्टी के बारे में। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का डेटा देखता हूँ, पहले चार्ट देखेंगे। अभी पिछले हफ्ते में मैंने यही कहा था, देखो कितने बड़े बड़े मूव्स हमने बैंक निफ्टी में उठा पटक होते हुए देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। अगर आपको याद है तो मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे ऑलरेडी हम आ चुके हैं। अगला जो लेवल मैंने बहुत इंपॉर्टेंट दिया था वो करीब करीब दिया था 32,200 का, और अगर हम इस हफ्ते का लो देखते हैं तो इस हफ्ते में हम 32,300-350 के आसपास आते हुए 300 के आसपास आते हुए हमने देखा, वहां से एक बाउंस बैक मिला है और हम एग्जैक्टली यहीं पे, जो कि मैंने पिछले हफ्ते में इंपॉर्टेंट लेवल कहा था 33,700 और 33,800 का लेवल मैंने पिछले हफ्ते में बोला था। यस 33,800 ये मैंने रेजिस्टेंस आपको पिछले हफ्ते में बोला था, और हमने पिछले हफ्ते का जो हाई बनते हुए देखा वो करीब करीब 33,750 के आसपास का था। अभी वापस निफ्टी जैसे ही रुझान दोस्तों यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम 38,000 के ऊपर निकलते हैं तो सीधा जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 34,500 के आसपास दिखाई दे रहा है। यानी अगर हम 33,800 के ऊपर अगले हफ्ते में ओपन होते हैं, वहां पे टिकते हैं, तो हम सीधा 34,500 और उसके अगला जो लेवल मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब निकल के आ रहा है 34,800। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं बैंक निफ्टी में, तो मैं यहां पे थोड़ा नजदीक का सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करूंगा, जो कि पिछले फ्राइडे का जो लो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के नजदीक है दोस्तों। रेजिस्टेंस के नजदीक जो लेटेस्ट लो मुझे दिखाई दे रहा है वो करीब करीब बनता हुआ दिखाई दे रहा है 33,400। 33,400 के नीचे हो सकता है जो गिरावट है, जो बिकवाली है और थोड़ी हावी होती है हम देख पाएंगे, और उसके नीचे हम सीधा 33,000-32,500 के लेवल्स को वापस टेस्ट करते हुए देखेंगे। तो हम देखेंगे अभी कि ओआई डेटा क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी का ओआई का डेटा क्या कह रहा है, ये चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे अभी बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या कह रहा है, अभी 33,600-33,700 के आसपास है हम। पहले कॉल साइड अगर हम देखते हैं तो कॉल साइड में 34,000 मैक्सिमम ओआई हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो 34,000 के यहाँ पे करीब करीब 63,000 का ओआई मैक्सिमम दिखाई दे रहा है, और उसके ऊपर फिर सीधा 34,500। सो ऊपर की तरफ 34,000-34,500 ये लेवल्स ओआई डेटा के हिसाब से निकल के आ रहा है। यानी 34,000 पहला साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आ रहा है और बाद में 34,500। सो ओवरऑल हम पकड़ के चलेंगे ऊपर के साइड 34,500, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगले हफ्ते के लिए है जो स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो अभी भी हम लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स फॉर्मेशन बना रहे हैं। पिछला वाला जो टॉप है वो बहुत दूर है, 36,000 तक का पिछला टॉप है,
और अभी जो रेजिस्टेंस मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है वो 34,500 पे है। अगर हम 34,500 है उसके थोड़ा ऊपर भी निकलते हैं तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों? तो नहीं, अभी भी ट्रेंड रिवर्सल का कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पे नहीं है। ये वापस मैंने जैसे निफ्टी के लिए कहा वैसे ही बाउंस बैक जो मिल रहा है वो एक्सटेंड होने की संभावना है। दैट डज नॉट मीन कि द ट्रेंड हैज रिवर्स्ड, करेक्ट? तो ऊपर की तरफ तो 35,500 ही इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम पुट साइड देखेंगे। पुट साइड में हमें कहाँ सबसे ज्यादा लेवल दिखाई दे रही है? पुट साइड में दिखाई दे रहा है 33,500 यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्तर सपोर्ट के जैसा निकल के आ रहा है, और उसके बाद सीधा निकल के आ रहा है करीब करीब 33,000 के, 33,000 यानी 500 पॉइंट्स नीचे और अगला सपोर्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगले हफ्ते के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो रहेगा 33,500 ऑन द लोअर साइड, 34,500 ऑन द हायर साइड। टेक्निकली मैंने 33,600 कहा था, ओआई के डेटा के हिसाब से 33,500 आ रहा है जो कि दुगना है, तो यहाँ पे बट नेचुरली वेटेज में थोड़ा सा ओआई की तरफ ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। सो 33,500 ये एक सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसे मौके ढूंढने चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए थोड़े से बुलिश साइड में हम ज्यादा हमें हेडरूम दिखाई दे रही है, तो थोड़े लॉन्ग साइड के, और जैसे जैसे मार्केट ओपन होता है उसके बाद का ट्रेंड देख के हमें लॉन्ग साइड के ट्रेंड ढूंढने चाहिए। लेकिन अगर हम इन्वेस्टर है तो हमें जब भी कोई बढ़त मिलती है तो एग्जिट करने का मौका ढूंढना चाहिए। इस तरह का बाजार में अभी रुझान देखने को मिल रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, हमने निफ्टी का चार्ट और ओआई डेटा देख लिया, बैंक निफ्टी का चार्ट और ओआई डेटा देख लिया है। अभी हम चलते हैं सेक्टर्स की तरफ। ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करने से अच्छा है मैं यहाँ पे जैसे किरण सर आप सब लोगों को गाइड करते हैं उसी तरह से उनका गाइडेंस फॉलो करते हुए मैं सेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा। दो सेक्टर्स है जहां पे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने की शुरुआत हो सकती है। ऐसे कौन से दो सेक्टर्स हैं? तो दोस्तों सबसे पहले एक मिनट, निफ्टी फिनसर्व, अगर आप ये चार्ट देखते हो लेट मी ओपन दैट चार्ट, ये देखो अभी किरण सर ने ऑलरेडी ये लाइन ड्रॉ करके रखी थी। इस लाइन, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रही है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, उसके आसपास लेके आए थे और चौथी बार यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं बना है, लेकिन जिस तरह का ये फॉर्मेशन हुआ था इसके ऊपर फाइनेंशियल सर्विसेज के जो स्टॉक्स हैं उसके इंडेक्स ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। अगर अगले हफ्ते में ये जो इंडेक्स है ये और थोड़ा अच्छी तरह से ऊपर परफॉर्म करना चालू करता है, यानी फाइनेंशियल स्टॉक्स में कुछ छोटे छोटे मूव्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं या इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनको ये स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट से बाउंस बैक मिला है। ये जो पिछले करीब करीब 8-10 दिनों का जो कंसोलिडेशन था उस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलने की कोशिश होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है यहाँ पे अगले हफ्ते के लिए, सिर्फ अगले हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक था, दूसरा जो सेक्टर है वो सेक्टर था ऑटो सेक्टर। अगर मैं ऑटो सेक्टर्स की तरफ देखता हूं तो ऑटो सेक्टर हम बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नजदीक आते हुए हमने देखा है। तो लेट मी ओपन ऑटो सेक्टर का जो मैं ऑटो सेक्टर का चार्ट ओपन करता हूं, इंडेक्स, ऑटो इंडेक्स। ये देखिए, ये है ऑटो इंडेक्स का चार्ट, निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखते हैं तो हम इस बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के नजदीक हैं। अगर अगले हफ्ते में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है
तो ब्रेकआउट के बाद हम वहां पे रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको अभी पता है कि अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हो सकता है रिटेस्ट करें और उसके बाद हमें वहां पे वापस एक बार रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑटो सेक्टर की तरफ देखता हूँ तो बहुत बड़ी टीवीएस मोटर्स है, एमएनएम है, ऐसे स्टॉक में अच्छे खासे रैली हमने पिछले हफ्ते में देखी है। तो यहाँ पे वापस एक बार थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती है ये हमें चार्ट के ऊपर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक के ऊपर ध्यान दे के वहां पे हमें चेक करना होगा कि यहाँ पे कुछ हम अपॉर्चुनिटी हमें ग्रैब करने को मिलती है या नहीं मिलती है। दोस्तों सेक्टर्स के बारे में बात हो गई, अभी हम बात करेंगे क्रूड ऑयल कमोडिटीज, क्रूड ऑयल सिल्वर गोल्ड के में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों याद है आपको क्रूड ऑयल में पिछले हफ्ते में मैंने क्या कहा था, अगर मैं क्रूड ऑयल की तरफ देखता हूं तो मैंने एक बहुत बड़ा ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाया था, करेक्ट। तो हमने ये जो क्रूड सॉरी क्रूड ऑयल का जो चार्ट हमने ड्रॉ किया था ये उसका ट्रेंड लाइन है, हम इसके बहुत नजदीक थे। तो मैंने आपको कहा था कि अगर हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है तो वापस एक बार रिटेस्ट होने की कोशिश हो सकती है, और दोस्तों वैसा ही पिछले हफ्ते में हुआ। हमने इस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया था, बहुत नीचे तक गए थे और वापस एक बाउंस बैक आते हुए हमने देखा जो इस ट्रेंड लाइन के को टेस्ट करता हुआ नजर आया। अभी यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर क्रूड ऑयल वापस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो ये जो ब्रेकडाउन मिला था ये नलिफाई हो जाएगा, राइट, और वापस एक बार ऊपर की तरफ भागने के लिए क्रूड रेडी हो जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन होता है, मैंने निफ्टी के बारे में भी कहा था कि टग ऑफ वॉर होता है बुल्स एंड बेयर्स में, डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है, कौन किस वक्त ज्यादा ताकतवर हो जाएगा ये समझ में नहीं आता, इसलिए हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल 8,540 ये क्रूड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं सो 8,600 का लेवल मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, 8,600 के ऊपर वापस एक बार क्रूड में तेजी होने की संभावना है, या फिर यहाँ पे टेस्टिंग हो गया है और अगर वापस और इसको नीचे फिसलना है तो एक छोटा सा रेजिस्ट सपोर्ट नीचे की तरफ, अगर मैं छोटा सा सपोर्ट देख रहा हूँ तो वो 8,200 8,100 के बीच में कहीं तो निकल के आ रहा है, तो ऊपर की तरफ 8,600 नीचे की तरफ 8,100 ये 500 पॉइंट का जो जोन है ये मेक एंड ब्रेक लेवल्स क्रूड ऑयल के लिए निकल के आ रही है। अगर 8,600 के ऊपर क्रूड निकलता है तो क्रूड में और तेजी बनने की संभावना है, और 8,100 के नीचे अगर क्रूड फिसलता है तो क्रूड और भी सस्ता होता हुआ अगले हफ्ते में हम देख पाएंगे। गोल्ड, गोल्ड के बारे में पिछले हफ्ते में हमने जो कहा था दोस्तों सेम उसी तरह का रुझान हमें देखने को मिला, पूरा हफ्ता उसी तरह से होता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो हमने पिछले हफ्ते में कहा था कि गोल्ड में साइडवेज मूवमेंट बनने की संभावना है, देखो पिछले हफ्ते में गोल्ड साइडवेज ही रहा है और हमारा अगले हफ्ते का रुझान भी यही है कि जब तक 51,200 51,400 के लेवल्स के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है इसी तरह से इसमें एक साइडवेज जोन बनता हुआ नीचे दिखाई देगा। नीचे की तरफ 50,000 का एक अहम स्तर है, 50,000 51,200 ये 1200 पॉइंट का जो रेंज है इसके बीच में ही ये मेक और ब्रेक लेवल हम इसे कह सकते हैं। उसी तरह से हम सिल्वर की बात करें, यस सिल्वर, सिल्वर अगर मैं देखता हूं सेम जैसे गोल्ड का चार्ट है वैसी तरह से सिल्वर का भी है, हमारा रुझान कंटिन्यू है कि ये और भी साइडवेज रहने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अभी दोस्तों चलते हैं वर्ल्ड इंडेक्सेस यानी डाउ जोन्स, डाउ जोन्स के चार्ट पे ऊपर क्या हुआ है। याद है आपको पिछले हफ्ते में मैंने आपसे कहा था कि एक ब्रेकडाउन मिलता हुआ दिखाई दिया हमें, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ये जो गिरावट है ये गिरावट 29,000 तक 29,200 टू बी वेरी प्रिसाइज 21,200 के आसपास मैंने 29,500 29,200 के लेवल्स दिए थे और मेरे ख्याल से वही लेवल से बाउंस बैक मिलता हुआ दिखाई दिया है।
29,650 के आसपास डाउ हम गिरते हुए हमने देखा, और वहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हम देख रहे हैं। ये बाउंस बैक है, वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, और ये बाउंस बैक वापस एक्सटेंड हो सकता है। ऊपर की तरफ का जो लेवल था जहां पे गैप बना था, वो तोड़ के फ्राइडे के यानी 24 तारीख को ये डाउ जोन्स ऊपर की तरफ निकला है। दोस्तों यहाँ पे ये जो बाउंस बैक है ये और एक्सटेंड हो सकता है। अगला लेवल टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो जहां से गैप चालू हुआ है वहां तक जाने की संभावना है, जो कि 32,300 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें अगर देखेंगे तो ओवरऑल बाजार में सब लोगों का ऐसा लगेगा कि तेजी का रुझान है, नहीं ये बाउंस बैक है, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, बट स्टिल देर इज नो ट्रेंड रिवर्सल। दोस्तों अभी चलते हैं फॉरेक्स, रूपी एंड डॉलर। दोस्तों याद है आपको मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये, इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोला था 78 रुपीज 35 पैसा। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वापस रुपए में कमजोरी बनते हुए दिखाई देगी। हम इसके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसके ऊपर हम टिक नहीं पाए, यहां पे साइडवेज जोन ही दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम ओवरऑल जैसे पिछले हफ्ते में कहा वही दोहराना चाहूंगा कि कंपेरेटिव टू अदर प्रोमिनेंट करेंसीज, दो वी आर बिकमिंग वीक, स्टिल वी हैव एन अपर हैंड। तो यहाँ पे और अभी अगले हफ्ते के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है? मेरे ख्याल से अगले हफ्ते का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 78.45 या 78 रुपया 50 पैसा, 78 रुपीज 50 पैसा अगले हफ्ते के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अगर ऊपर निकलता है तो वीकनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल ट्रेंड आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है, अप ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे और एक साइडवेज जो जोन है वो कंटिन्यू रहने की संभावना है, 78.5 के ऊपर वीकनेस और बढ़ेगा। नीचे की तरफ लेवल जो है वो थोड़ा दूर है, जो जोन बन के आ रहा है वो 77.9 से लेके 78.5, ये करीब करीब 1.5 रुपए का रेंज यूएस डॉलर और आईएनआर के चार्ट पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों हाँ, बिफोर मूविंग अहेड टू पीसीआर, पीसीआर के बारे में बात करने से पहले मैं सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने पिछले हफ्ते में आपको बोला था कि 4 जुलाई से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्या कुछ तो नया मिलने वाला है। आप सब लोग अपने अपने दोस्तों को बताइए कि आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में एनहांसमेंट होने की प्रोसेस 4 जुलाई से चालू होने वाली है। जिन लोगों को सीखना है उनके लिए ट्रेनिंग के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, ये आप सब लोगों को याद रखना है, और 4 जुलाई से अलर्ट रहना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है। आइए दोस्तों चलते हैं लास्ट टॉपिक, पीसीआर, पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो में याद है दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते में आपको क्या कहा था कि आपको अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि ये बाउंस बैक है। हमें जब ये पुट कॉल रेशो में जो चार्ट आपको मिलता है, हमारे जो मार्केट आउटलुक डेली है वहां पे हमने पीसीआर का वीडियो डाल के रखा है। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे मार्केट आउटलुक डेली में जाएंगे। जिनको पता नहीं है मार्केट आउटलुक डेली क्या है तो आप सिंपल एक काम कीजिए, हमारे वेबसाइट ओपन कर ओपन कीजिए, यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर मार्केट आउटलुक डेली, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन ये फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ जब आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, इसके लिए आपको जीमेल, आपका जो ईमेल आईडी है वो जीमेल पर का होना जरूरी है। आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे साइन इन विद गूगल करेंगे, जैसे आप साइन इन करेंगे आपको मार्केट आउटलुक डेली ये देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो ये देखिए यहाँ पे पिछले हफ्ते का वीडियो भी है, और हम यहाँ पे नीचे पुट कॉल रेशो का एक लिंक मंडे को डालने वाले हैं। यहाँ पे आपको पुट कॉल रेशो का एक लिंक भी मिल जाएगा। जिन लोगों ने पुट कॉल रेशो का वीडियो नहीं देखा है, और फिर अभी मेरा जो वीडियो चल रहा है यहाँ पे पुट कॉल रेशो का आपको लिंक भी मिल रहा है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधा पुट कॉल रेशो का वीडियो देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको इस पुट कॉल रेशो का यूज करना है। अभी ये जो आपके सामने चार्ट है ये पुट कॉल रेशो में नीचे की जो लेवल है
ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है जो ग्रीन लाइन है, और ऊपर की तरफ ये जो लाइन है वो रेड लाइन है। जब जब पुट कॉल रेशो इस रेड लाइन के नजदीक आती है, अभी ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, जब जब पुट कॉल रेशो की ये जो ब्लू लाइन है जो ऑसिलेट हो रही है, जब ये रेड के नजदीक आएगी तब हमें शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। अभी पिछले हफ्ते में मैंने कहा था कि 0.7 नीचे की तरफ पुट कॉल रेशो और ऊपर की तरफ 1.3। लेकिन दोस्तों जिस तरह का मार्केट अभी पॉइज्ड है, जिस तरह के मार्केट कंडीशंस है, हमें एग्जैक्ट 1.3 के लेवल की राह नहीं दिखनी है। अगर आपको 1.18, 1.2 भी देखने को मिलता है और वहां पे आपको अगर शॉर्ट पोजीशन, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उस वक्त का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट देखते हैं, टेबल देखते हैं, तो हमें उस वक्त रिव्यू लेके हमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। और अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, और जब जब पुट कॉल रेशो 0.7 हमने कहा है, लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से 0.7 के यहाँ पे रुकना की या वेट करने की जरूरत नहीं है, 0.8182 आता है, वहां पे भी आप खरीदारी के मौके इंडेक्स में ढूंढ सकते हो, करेक्ट। सो दोस्तों ये था पूरे अगले हफ्ते के लिए ओवरऑल व्यू जो किरण जादेन एसोसिएट की तरफ से आपको दिया जा रहा है। दोस्तों आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला आपको पुट कॉल वीडियो जाके देखना है जो आपको अभी यहाँ पे भी दिखाया गया था। आपको मार्केट आउटलुक डेली के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। जिन लोगों को सीखना है, मेरे ख्याल से सीखना तो सबको चाहिए, सीखना है उनको वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, क्योंकि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मनी बैक गारंटी है। बहुत सारे लोगों ने मनी बैक गारंटी देख के इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। आपको खोना कुछ नहीं है, पहला दिन पूरा वर्कशॉप अटेंड करो, जो कुछ भी रूल्स है उसको फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सीखने जैसा कुछ नहीं मिल रहा है, यू कैन गो फॉर मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, योर मनी विल बी रिफंडेड टू यू। मनी बैक गारंटी के जो भी रूल्स है हमारे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। तसल्ली होने के बाद हमारे हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके साथ बात कीजिए, पूरा आपको तसल्ली होने के बाद इस वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे आना है, ज्वाइन होना है, क्योंकि 4 जुलाई के बाद कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों आपके साथ इंटरेक्ट करके, आपके साथ व्यू शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द रिस्पॉन्स, और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले हफ्ते में भी इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। वी एट किरण जादव एसोसिएट्स विल बी ऑलवेज बाई योर साइड। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।